तो चलिए आपकी जिंदगी में भी भर देते हैं एंटरटेनमेंट के रंग, बिल्कुल इन लिपस्टिक्स की तरह, क्योंकि हम पहुंचे हैं सीधा एक्टर अनुजा साठे के घर। अनुजा को तो हमने देखा है ढेर सारी वेब सीरीज और टीवी शोज में, और अब वो नजर आने वाली हैं आने वाली वेब सीरीज महारानी 2 में, जिसमें वो निभाएंगी कीर्ति सिंह का किरदार। अनुजा तो हमसे बात कर रही हैं अपने इस किरदार के बारे में और दिखा रही हैं हमें अपना खूबसूरत घर। लेकर चलते हैं आपको फटाफट अनुजा के पास। थिएटर, फिल्म, वेब सीरीज, मराठी फिल्म्स और टीवी, सभी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कलाकारी से दर्शकों का मनोरंजन करने वाली अनुजा साठे वो जल्द नजर आएंगी वेब सीरीज महारानी 2 में। और आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है अनुजा के घर बिताने उनके साथ पूरा एक दिन। तो अनुजा साठे पुणे में रहती हैं अपने हस्बैंड सौरभ के साथ, और आपको बता दे कि सौरभ भी एक एक्टर ही है, लेकिन इन दिनों काम के चलते अनुजा मुंबई में ही रह रही है। और सास बहू और बेटियां को आज वो अपना मुंबई वाला घर घुमाएंगी, करेंगी ढेर सारी बातें और होगा मस्ती भरा डे आउट। आपको बता दे कि अनुजा फिल्म बाजीराव मस्तानी में काम कर चुकी है, जिसमें उन्होंने भीउ बाई का किरदार निभाया था। इसी के साथ टीवी में उन्होंने शोज किए हैं। सीरियल तमन्ना में उन्होंने मुख्य किरदार निभाया था। इसी के साथ पेशवा बाजीराव, जहां वो बनी थी राधा बाई, झांसी की रानी में उन्होंने जानकी बाई का किरदार निभाया था, और कई और शोज उन्होंने किए हैं, और अब वो नजर आएंगी महारानी 2 में। तो चलिए बिताते हैं अनुजा के साथ पूरा एक दिन, चल के उनके घर। महारानी 2 में हो गया है एक नया एडिशन, और वो एडिशन हमारे खुद साथ में है, वो है अनुजा साठे। और अनुजा कैसा रहा पूरा सेशन वो हम जानेंगे ही, लेकिन फिलहाल हम आपके हैं घर में, तो होम टूर तो बनता ही है। श्योर, जरूर आइए आइए। तो शुरुआत करते हैं अनुजा का घर घूमने से, जहाँ पर वो किचन में बनाएंगी कॉफी, बताएंगी छोटी बड़ी बातें। मैं होम वर्कआउट्स करती हूँ एक्चुअली पुणे में। आई एम फ्रॉम पुणे, तो पुणे में मेरा एक होम जिम है, लेकिन यहाँ पे मेरा दूसरा कोई जिम नहीं है, तो मैं घर पे वर्कआउट करती हूँ। एंड आई मेक इट अ पॉइंट कि जो भी हो सकता है छोटी छोटी चीज़ें मैं घर पे करती हूँ। तो यू कैन सी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वेट्स ला के रखे हैं। ये मैक्सिमम इज 7.5 विच आई यूज़ फॉर बैक वर्कआउट्स, लेग वर्कआउट्स, 5 kg एंड 2.5 kg। आई थिंक होम वर्कआउट्स के लिए इतना काफ़ी होता है, तो आई मेक श्योर कि आई डोंट मिस माई वर्कआउट्स कहीं। ये है मेरा छोटा सा घर, लिविंग रूम। मैं बहुत कम चीज़ें रखने में बिलीव करती हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वही मैं रखती हूँ। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर। ये मेरे नानी का सोफ़ा है, मतलब मेरी नानी ने मेरी मम्मी को गिफ्ट किया था, और उनकी निशानी समझ के मैं इस सोफ़े को पिछले 10 साल से मैंने कुछ नहीं किया है। इट इज़ द वे इट इज़। और जब मैं मेरे जितने भी मैंने घर शिफ्ट किए हैं, आई हैव ऑलवेज मेड श्योर कि दिस सोफ़ा ये मेरे घर में रहेगा, बिकॉज ये मेरी नानी की निशानी है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी ऑल्सो। आइए, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है घर का। यहाँ पे सुबह मेरी पहली कॉफ़ी मैं यहाँ पे बैठ के लेती हूँ, और यहाँ विंडो से आजकल बहुत कम दिखता है ये नज़ारा कि इतनी ओपन स्पेस है, पेड़ है आजू बाजू, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठ के मेरी
मेरी कॉफ़ी पसंद करती हूँ लेना. एंड देर इज़ अभी एक और स्पेस है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. पसंद नहीं है मतलब मेरा इंक्लिनेशन नहीं है जो है किचन, बिकॉज मैं कुक नहीं करती हूँ और ज़्यादा. और किचन मेरे लिए यूज़ होता है बेसिकली कॉफ़ी, चाय, छोटा मोटा खाना, मतलब ऑमलेट, ब्रेड वगैरह बनाना उसके लिए. तो ये मेरी टेरिटरी नहीं है एक्चुअली. सौरभ कुक्स अलॉट एंड ही कुक्स वेल, सो दैट इज़ हिज टेरिटरी, नॉट माइन. देन या दैट्स इट. आई थिंक दीज आर माई बेसिकली द लिविंग रूम इज़ माई फेवरेट जगह घर की, सबसे फेवरेट. और दिस इज़ द रूम जो हम एक्चुअली ज़्यादा करके स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, बिकॉज हम सिर्फ दोनों घर में रहते हैं तो दो बेडरूम्स हैं. सो बेसिकली ये वार्डरोब्स और सामान रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. बात होती है ये इतना बड़ा बॉटल पानी पी के, एंड फिर 15 मिनट के बाद मैं मेरी कॉफ़ी तैयार करती हूँ. कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ. सो आई हैव दिस फिल्टर. मुझे इंस्टेंट कॉफ़ी पसंद नहीं है. मैं फिल्टर कॉफ़ी या ये मतलब फ़िल्टर कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ये फ़िल्टर में कॉफ़ी बनाती हूँ. एंड मेरी कॉफ़ी में मिल्क नहीं होता, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ. तो दिस इज़ हाउ आई मेक माई कॉफ़ी. ये बन गई मेरी मॉर्निंग कॉफ़ी. आइए. जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है और यहाँ पे बैठ के बाहर देख के मुझे कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा लगता है. कुछ डॉग्स है, पेट्स है यहाँ पे सोसाइटी में, वो खेलते रहते हैं नीचे. तो मैं खुद, मेरे पास 4 डॉग्स है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं उनसे दोस्ती करती हूँ, दोस्ती बना ली है ऑलरेडी. तो वो अभी खेल रहे हैं तो ऐसे मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है. सो ये है ऑलमोस्ट हर रोज़ की कहानी. मेरे दिन जब मैं घर पे रहती हूँ, काम पे जब होती हूँ तब चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन जब मैं घर पे रहती हूँ तो ऑब्वियसली माई डेज आर लाइक दिस. सो हम दोनों एक्चुअली पुणे से बिलोंग करते हैं और हम दोनों जब भी हमारा काम होता है मुंबई में तभी मुंबई में आते हैं. तो अभी फ़िलहाल कल ही सौरभ वापस गए बिकॉज उनका काम ख़त्म हो गया मुंबई का. तो ऐसे हम लोग शटल करते रहते हैं. इट्स नॉट लाइक कि हम यहाँ पे हर दिन होते हैं, जब काम होता है तब भी हम यहाँ होते हैं. वैसे अनुजा को बुक्स पढ़ने का काफ़ी शौक है और उनके पास बुक्स का अच्छा खासा कलेक्शन है. ये मेरा बुक्स का कॉर्नर है. एक्चुअली मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ. मैं बुक्स जो मुझे अच्छे लगते हैं वही बुक्स मैं पढ़ती हूँ. और थैंकफुली मैं मराठी बुक्स भी पढ़ती हूँ और मैं इंग्लिश बुक्स भी पढ़ती हूँ. सो ये मेरा सबसे फेवरेट बुक है. इसका नाम है पेशवे. सो जब मैं पेशवा बाजीराव कर रही थी सोनी के साथ और राधा बाई का किरदार निभा रही थी, तो मुझे पढ़ना था पेशवाओं की हिस्ट्री पढ़नी थी. और जो स्कूल में पढ़ी हुई थी लेकिन उसको थोड़ा सा ब्रशअप करना था, ज़रूरी था. राधा बाई के बारे में जानना ज़रूरी था. तो ये बुक मेरी सबसे फेवरेट बुक है जिसमें हर पेशवा की उसकी उनके फैमिली की पूरी हिस्ट्री है. तो ये मेरा फेवरेट बुक है. ऑफ कोर्स मराठी बुक है. और डैन ब्राउन इज़ माय फेवरेट ऑथर. तो डैन ब्राउन की कुछ किताबें हैं जैसे लास्ट सिंबल, एंजल्स एंड डीमंस, दा विंची कोड. तो मुझे मिस्ट्रीज़ बहुत अच्छी लगती है पढ़ने के लिए भी और देखने के लिए भी. तो अगाधा क्रिस्टी है, आई लव हर नॉवेल्स. सो ये है मेरा बुक्स का कॉर्नर. और जैसे ही मुझे और बुक्स अच्छे लगेंगे मैं खरीद लूँगी.
मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो दो लड़के हैं वो अमेरिका में रहते हैं, अभी एक वापस आ गया है लेकिन एक अभी भी वही है। तो जब वो अपनी इंडिया ट्रिप से वापस जा रहे थे तो मैंने सबको ये गिफ्ट किया था, ये फ़ोटो कोलाज करके फ्रेम किया था और सबको गिफ्ट किया था, सो दैट उन्हें हमेशा याद रहे कि हाउ क्लोज वी आर। सो हम सब स्कूल में एक साथ थे और वी पास्ड आउट ऑल टुगेदर, सो या दे आर वेरी स्पेशल फॉर मी। अनुजा के करियर की शुरुआत थिएटर से ही हुई थी, तो आइए अनुजा से ही जानते हैं उनके एक्टिंग करियर की कहानी। जैसे कि मैंने कहा मैं पुणे से हूँ, तो पुणे का एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कूल्स और कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटी है। तो ज्ञान प्रबोधिनी प्रशाला मेरी स्कूल जो मुझे बहुत प्यारी है एंड अभी भी इतने साल हो गए पास आउट होके, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ मेरे स्कूल से। मेरी कॉलेज मेरा कॉलेज था सर परशुराम भाऊ महाविद्यालय, इट्स कॉल्ड SP कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन पुणे। तो यस दैट्स अबाउट इट। मैंने BA साइकोलॉजी किया है और मेरी इच्छा थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ साइकोलॉजी में, बट एक्टिंग में आ गई और काम शुरू हो गया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट नहीं किया, बट गिवन अ चॉइस गिवन अ चांस मैं ज़रूर करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू टेक आइदर क्रिमिनल साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी। सो कॉलेज से ही स्टार्ट हुआ, मेरी शुरुआत ही कॉलेज से हुई है एक्टिंग की, क्योंकि मैं कॉलेज के कल्चरल ग्रुप का हिस्सा थी और जब मैं 11th में मैंने एडमिशन लिया तो मुझे पता था, क्योंकि उस टाइम पे भी जो टॉप कॉलेजेस है पुणे के वो उनमें बहुत कंपटीशन था व्हेन इट कम्स टू इंटर कॉलेजेट कॉम्पिटिशन्स या थिएटर कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अपना अपना उनका एक आर्ट सर्कल कल्चरल सर्कल हमेशा बहुत ही फेमस था। तो यू नो एक्चुअली वन ऑफ द रीजंस दैट आई वाज हैप्पी कि मुझे SP कॉलेज में एडमिशन मिला वो ये भी है कि उस कॉलेज का कल्चरल सर्कल बहुत फेमस था और बहुत सारी चीज़ें होती थी कि म्यूज़िक है, डांस है, थिएटर है। और जब मैं 11th में गई तो एक्चुअली मेरा बड़ा भाई भी SP कॉलेज से ही है और वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे था, वो बहुत इन्वॉल्व होता था। तो मैंने उसको एक दिन बताया कि मुझे अपने आर्ट सर्कल का हिस्सा बनना है, तो उसने बोला कि आ जाओ यू नो हॉल पे आ जाओ जहाँ पे हम लोग होते हैं, एंड अगर इफ़ यू डिज़र्व तो तुम्हें मिल जाएगा कुछ ना कुछ करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भाई मुझे हेल्प नहीं करेगा, मेरा सगा भाई मुझे हेल्प नहीं करेगा, तो इसे नहीं करूँगा, क्योंकि यू नो आर्ट सर्कल में आने के लिए बहुत लोगों की इच्छा होती है और बहुत लोग आना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम या फिर एज सीनियर्स हम लोग उन्हीं को लेते हैं जिनमें एक्चुअली कुछ टैलेंट है। तो अगर तुम प्रूव कर सकती हो तो आओ और करो और बन जाओ हिस्सा। तो वो फनी है बहुत, लेकिन यस देन आई अंडरस्टूड कि क्या कहना चाह रहा था वो। तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने कुछ नहीं किया, आई वाज यू नो मैं सिर्फ जाती थी, देखती थी कि सीनियर्स कैसे थिएटर मतलब प्ले वगैरह सब डायरेक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, डांस करते हैं, म्यूज़िक है। 3 साल तक मैंने सिर्फ देखा, मुझे किसी ने किसी पार्ट का हिस्सा नहीं मतलब एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनाया, लेकिन धीरे धीरे ऑफकोर्स मैं भी ओपन अप हो रही थी, लोग भी मुझे समझने लगे थे, तो धीरे धीरे ऐसे करके प्लेज में मैंने एक्टिंग करना शुरू किया एंड आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट। एक्चुअली सच बताऊँ तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे सारे मीडियम्स ने काम में काम करने का मौका मिला है, सबको नहीं मिलता, मुझे मिला है। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड फॉर्चुनेट, क्योंकि
जैसे मैंने कहा, शुरुआत मैंने थिएटर से की है, फिर मैंने मराठी टेलीविजन किया है, फिर एक दो तब उस टाइम में कुछ मराठी फिल्में की है, फिर जो हिंदी शिफ्ट हो गया मेरा, जो शिफ्ट आया मेरी करियर में, वो भी कमाल का शिफ्ट है। जो मैंने तमन्ना नाम की सीरीज़ की स्टार प्लस के लिए, वो मेरा पहला हिंदी शो था, फिर पेशवा बाजीराव, फिर ब्लैकमेल फीचर फिल्म परमाणु, फिर और एक टेलीविजन शो, फिर एक थी बेगम सीज़न वन, सीज़न टू एंड नाउ महारानी। आई थिंक जैसे हम कहते हैं ना कि हम सोचते हैं अपने करियर के बारे में कि एक एक स्टेप आप ऊपर जाना चाहिए आपको। दिन अनुजा के लिए काफी स्पेशल है, क्योंकि आज है वेब सीरीज महारानी 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस सफर पर सास बहू और बेटियां उनके साथ है। तो शुरू हुआ ये सफरनामा। तो हम अभी जा रहे हैं महारानी सीजन 2 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां सास बहू और बेटियां दिन भर मेरे साथ रहेंगे। सो देखते रहिएगा, आइए। दिन खास है तो तैयारी भी तो खास ही होगी ना। तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अनुजा रेडी हो रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इवेंट लोकेशन पर, और आप जैसे देख रहे हैं कि अनुजा फटाफट रेडी हो रही है, क्योंकि इट्स अ बिग डे फॉर यू। वेरी बिग डे, टायरिंग डे, वेरी टायरिंग, क्योंकि मतलब मैं बहुत थक जाती हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन। सो यस, बट आई एंजॉय इट, मतलब मेरा काम है, मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, तो वॉट एवर कम्स विथ इट, आई लव इट, आई एंजॉय इट। और इस बात की कितनी खुशी है कि कितना कम ट्रैफिक था आज। बाप रे बाप, मैं तो आज बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी लकी हूँ, क्योंकि मुझे तो लगा था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे कम से कम एक घंटा लगेगा, सवा घंटा लगेगा, लेकिन मैं तो 40-45 मिनट में पहुँच गई। मतलब आज मेरे साथ जो लोग थे, सास बहू बेटी, उनका लक बहुत ज़्यादा मेरे साथ है। मेरा तो कभी ट्रैफिक के बारे में लक होता नहीं है इतना अच्छा। तो फिर अभी क्या क्या हो गया है, क्या क्या बाकी है, मेकअप कितना? सो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है, और मेरा हेयर स्टाइलिंग बाकी है, एंड ऑफ कोर्स जो इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं जो कपड़े पहनूंगी वो ऑफ कोर्स ये नहीं है, तो सिर्फ वही बाकी है बस। अभी देख सकते हैं मैं रेडी हो गई हूँ, और मैं इंटरव्यू के लिए अभी नीचे जा रही हूँ हॉल में। सी यू। महारानी 2 की कीर्ति सिंह तैयार हो गई है। वैसे आज अनुजा ने लिया है ये रॉकिंग लुक, तो आइए अनुजा से ही जानते हैं उनके लुक और महारानी 2 में उनके कीर्ति सिंह वाले कैरेक्टर के बारे में। अनुजा भी जुड़ गई है महारानी 2 से, और कीर्ति सिंह वैसे तो उनका लुक ये नहीं है उसमें, लुक इज दिस, लेकिन अभी अनुजा जो है अपने नॉर्मल आउटफिट में है, और लेकिन वो ज़रूर बताएंगे कीर्ति सिंह कैसी रहती है। तो शी इज़ लाइक दिस, अ वेरी सिंपल गर्ल, बहुत इनोसेंट, सिंपल, प्यारी सी लड़की है, और बहुत ही क्या कहते हैं हम, पॉलिटिकली
एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है. तो या दैट इज़ ऑल आई कैन सी राइट नाउ. और बहुत अलग कैरेक्टर है और फुल ऑफ सरप्राइजेज है, तो मैं वो सरप्राइज़ आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगी, आपको उसके लिए सीरीज़ देखनी चाहिए. सो जैसे कि मैंने कहा एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है, सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं, शेड्स है अलग अलग, तो मैं वही चीज़ दोहराऊँगी कि ऐसी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिकॉज दैट इज़ अ सरप्राइज एलिमेंट ऑफ द शो. तो वो सारे सवालों के जवाब आपको जब 25 अगस्त को सीरीज स्ट्रीम होगी तब मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे. सारे जवाब तो हमें तब मिल ही जाएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस उमा के साथ काम, सोहम है, अमित सयाल है, कैसा रहा सबके साथ का वर्किंग एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा. जैसे कि मैं अब जानते हैं कि मैं एडिशन हूँ सेकेंड सीजन में, पहली बार मेरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो सब मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, पहला सीज़न एक साथ कर चुके थे, तो टीम ऑलरेडी बन चुकी थी. तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं नई हूँ इस टीम में. सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और सुभाष सर, रविंद्र सर एंड ऑल दी को एक्टर्स, उमा, सोहम, अमित एंड विनीत जी, ऑल एवरीबडी हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट सीजन, बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे बारे में, और मुझे बहुत मदद भी हुई उनकी हर जगह जहाँ पे, अगर बिकॉज आई बिलोंग टू अ महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, दिस वॉज अ कम्प्लीटली न्यू बैकड्रॉप. तो वगैरह पे वर्क करना पड़ा, कैसे बोलना है, कैसे बोलते हैं, हाँ करना पड़ा, बट दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. सो आई थिंक उसमें भी मुझे मेरी टीम की बहुत सहायता हुई है, और इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा किए, मतलब हम लोग इंटेंस सिक्वेंसेस के बाद में भी बिटवीन द शॉर्ट्स वी यूज टू हैव लॉट ऑफ फन. तो बहुत हेल्दी एटमोसफियर सेट पे, बहुत अच्छा लगता था सेट पे. मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल दर्शकों को मेरा छोटा सा घर दिखाया है, बहुत सारी बातें की है, गपशप की है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं जहाँ हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा इंटरव्यू किया है. तो 25 अगस्त को हमारी सीरीज़ स्ट्रीम हो रही है सोनी लिव पे, तो देखना ज़रूर. और अब मेरा ये डे आउट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. थैंक यू. तो भाई उम्मीद है कि आपने अनुजा साठे के बारे में जानी होंगी कई सारी बातें. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.